हमने सिर्फ सुना था, लेकिन आज आकर ये एक्सपीरियंस किया है और हम दोनों ये भी सोच रहे थे कि ये हुआ कैसे सर, कि ये राज हमें भी बताए ताकि हम लोग भी इस बात से प्रेरित हो सके कि ये स्टेट इतना खूबसूरत इतना साफ कैसे रखा गया। ये प्रदेश की जनता के योगदान से हुआ है, कोई प्रशासन शासन प्रयास कर ले नहीं होने वाला अगर लोग ना जुड़े। तो अभी तो मैं मानता हूं कि हमारी स्वच्छता का सफाई का तो काम अधूरा है, आप अगले साल फिर से आईफा करिएगा और देखिएगा कैसा और सुंदर लगता है। मैं देख रहा हूं बड़ी खूबसूरती से इन्होंने इस साल तो वो है चौका छक्का मारा, अगले साल का इनविटेशन भी सर दे दिया। आई थिंक ही सेइंग कि यहां के रास्ते संगमरमर के होंगे। और बहुत ही खास है, नई सदी की शुरुआत है, आईफा जो है मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश आईफा को होस्ट करेगा और आईफा होस्ट कर रहे हैं नन अदर देन सलमान खान, तो मतलब चार चांद लग गए। आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू सर, आई थिंक ग्रेट कॉम्बिनेशन आपका सलमान खान का और आईफा का, क्या कहेंगे सर? मुझे इस बात की खुशी है और मैंने तो सलमान से कई दफे आमंत्रित किया कि वो दिल मध्य प्रदेश में ज्यादा दिलचस्पी लें, ये ज्यादा बंबई वाले बन गए हैं, बंबई वाले नहीं है ये मध्य प्रदेश वाले हैं और 100%। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने चुना तो है मध्य प्रदेश इंदौर, पर साथ साथ इन्होंने जो असलियत है चुनी है। देखिए मैं सर उनके बिहाफ में ये कहना, ऑफ कोर्स ये भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात चुनी कि जब मध्य प्रदेश में होगा तभी होस्ट करेंगे, तो पहली बार आईफा होस्ट कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड पे करेंगे सर, ये अपने होम सिटी में करेंगे। सलमान आई थिंक सब लोग इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि आप होस्ट कर रहे हैं आईफा पहली बार, वो भी अपने होम टाउन में, प्लीज उसके बारे में। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, केड़ो हाल है, एंड वेलकम टू मध्य प्रदेश प्रेजेंट्स आईफा। ये तो ऐसा लग रहा है कि होम ग्राउंड में बैठा हूं, फ्रंट फुट पे ही खेलूं। तो जो मेमोरीज मेरी यहां से रही है वो मेरे पैदा होने से पहले की है, 6 जनरेशन पहले की है। तो जो हमारे ग्रेट 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 से ऊपर ग्रेटेस्ट जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मध्य प्रदेश चूज किया यहाँ पे सेटल होने के लिए। उसके बाद उनका चॉइस इतना अच्छा था कि उनके जितने भी बेटे और ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन टिल द ग्रेटेस्ट ग्रैंड चाइल्ड माई ओन फादर वॉज बॉर्न हियर। फिर यहाँ से बम्बई चले गए, लेकिन उस वक्त सब यहाँ पर हर चीज़ छोड़ छाड़ के मुंबई चले गए, नाम कमा लिया उन्होंने अपना। लेकिन उस नाम कमाने के प्रोसेस के अंदर जब वो कर रहे थे तो बड़े ही जैसे कि हर एक कोई यू नो गुर्बत के हालातों से गुजरता है, वैसे यू नो उन्होंने भी एक स्ट्रगल देखा है। तो कंसीव तो हम लोग मुंबई में हुए हैं लेकिन डिलीवर हम लोग इंदौर में हुए हैं। तो मुझे अलवीरा और सोहेल तो मुंबई में पैदा हुआ है, लेकिन अलवीरा की जर्नी मुझे पता है। मुझे व्हेन माय मदर वाज प्रेग्नेंट ऑब्वियसली मुझे वो जर्नी वो मेरी माँ एंड फादर को ही पता है। तो मुंबई से जीप में आया करते थे, विलीज 52 मॉडल की जीप हुआ करती थी मेरे फादर के पास। तो मुंबई से इंदौर, फिर 3 महीने इंदौर में डिलीवरी हुई, उसके बाद 1-2 महीना और फिर वापस से मुंबई। तो घर बार था यहाँ पर, तो पैसे से कुछ खर्च नहीं हुआ करते थे और वो मुंबई में काम करते थे और उनको एक मौका भी मिल जाता था कि पत्नी से थोड़े से दूर रहें तो वो बड़े खुश थे। तो उनको ये काफ़ी भाया, तो उन्होंने ये एक इसका एक प्रेसिडेंट ही रख लिया कि हर 1.5 साल के अंदर ही बच्चा होगा और वो इंदौर में पैदा होगा, ताकि मुझे अपनी मिसेज से 1-3-4 महीने की छुट्टी। फिर जैसे हम बड़े होते गए तो हमने खुद ने डिसाइड कर दिया कि हम डैड को करीबन 1-3-4 महीने की छुट्टी दे देते। तो जब भी एक ऑफर आता था हमको कि चलो लंदन चलो, पेरिस चलो, अमेरिका चलो, तो हमारा यही था कि हम आएंगे इंदौर और ओल्ड पलासिया और बर्तरी खेत पे ही रहना पसंद करते थे। तो सर्दियों की छुट्टी और गर्मियों की छुट्टी, जीप में बैठे
यहाँ पर आए, 1.5-2 महीने बिताए और वापस से मुंबई। तो ये है मेरा इंदौर से नाता। अबाउट 39 years ago मैं भोपाल आया था, खंडेरे में रहा कुछ 2 महीने और फिर वापस चला गया। तो सेम मेरी खंडेरा, यहाँ पे काफ़ी बड़ी फैमिली थी, अब काफ़ी कम हो गई है। इंदौर की फैमिली और ज़्यादा बढ़ गई है। सो माई ब्रदर्स एंड अंकल्स हुआ नॉट देयर, यू नो, गॉड ब्लेस देयर सोल्स, एंड जो भी हैं यहाँ पर उनको एक बहुत लंबी उम्र दें। और सेम इन इंदौर, इंदौर तो आना जाना होता है बिकॉज ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ओल्डर ब्रदर तो नहीं कह सकते इनको, यंगर ब्रदर ही कहना पड़ेगा। और इस यंग स्टेट के लिए इनसे बड़ा यूथ सीएम कोई नहीं है। यू कैन नेवर गेट अ यंगर सीएम देन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हु विल स्टैंड अप टू एनी ओकेजन एंड आई नो। Fantastic. Let's have a big round of applause for Salman Khan. Great stories there. और ऐसी कहानियां, ऐसी मजेदार चटपटी कहानियां सर सलमान खान सुना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सलमान का मध्य प्रदेश से क्या नाता है, आइफा से क्या नाता है, ये तो हम जानते हैं। जैकलिन, आपका जो आइफा के साथ नाता है वो भी बड़ा अद्भुत है, क्योंकि जब पहली बार आप आइफा के साथ जुड़ी वो था सन 2010 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दैट वॉज हर होम ग्राउंड, हर होम टाउन इन कोलंबो। वाओ, जहां पर अगर मैं गलत नहीं हूं आप पहली बार परफॉर्म भी किया आपने और आपको अवार्ड भी मिला अलादीन के लिए, द बेस्ट डेब्यू अवार्ड, राइट? वाओ, सो हाउज द जर्नी बीन विद आइफा? सो इट्स माय 10-year एनिवर्सरी नाउ वर्किंग इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एंड इट बिगन इन 2009। आई अटेंडेड माय फर्स्ट आइफा इन 2010, दैट टू इन श्रीलंका। सो इट वाज अ ह्यूज celebration, I think, for everyone back home, because it was the first actress from Sri Lanka to actually work in the Hindi film industry. I remember you were there. You were promoting Dabang with Sonakshi. It was the first time I saw Sonakshi. It was the first time I saw anything of such a big scale. I got to walk the red carpet. I got to walk from Manish Malhotra. I got to win an award in my own home country. So I know what it feels like for you to be here after few years. No, I was just shooting Indore for Dabang, Maheshwar and Mandleshwar, where my grandfather was the DIG of police there. But Bhopal, this is... Bhopal after... Few years. 39 years. But it's so wonderful that AIFA really does so much as well for the film industry. I love the fact that it truly makes the Hindi film industry is so international. Thank you so much for coming to Sri Lanka. And also the fact that India has so many beautiful places, that, you know, that it's now in Bhopal. It was in Mumbai last year. I love that they're also exploring all the amazing cities that India has to offer as well. I think that's a great idea, as we were discussing on the flight. Lekin sir, main ye dekh raha hu, jab se yahan land kiye, jo logo ka utsah hai, aaj sirf is press conference ke liye aur अपने दो चहेते सितारों को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ी है, जितना प्यार मिला है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आज आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा जब फाइनल जो आइफा का जो शो है होगा, तो मुझे लगता है कि शायद जगह कम पड़ जाएगी। नहीं, नाउ विद द सपोर्ट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर कमलनाथ, यहाँ पे फिल्म शूटिंग भी काफी होना शुरू हो जाएंगी। रिबेट दे रहे हैं सर, तो अभी फिल्म इंडस्ट्री वाले भी ऐसे हैं ना, जहाँ रिबेट मिलता है वो चले जाते हैं, और हमारा तो भोपाल और इंदौर से वैसे ही लगाव है। तालीम भी मध्य प्रदेश में ही हुई, आधी आधी ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के अंदर। तो ये बचपना जितना भी गुजरा है वो यहीं से, जितना भी सीखा है बड़े भाइयों से, चाचाओं से, चाचियों से, ये जो भी आप देख रहे हो सलमान खान को पर्दे पे, जितना भी जो मैं हूँ, अच्छा ही हूँ, बुरा तो नहीं कह सकते, वो यहीं की तालीम की वजह से हूँ। क्या बात है सर, आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारे पास ओशंस नहीं है, वी डोंट हैव द स्नोफॉल, बट वी हैव अ लॉट टू ऑफर। यू वांटेड टू आस्क अबाउट द यू नो द ट्राइबल म्यूजियम एंड अदर थिंग्स एज वेल। आई हर्ड दैट देयर इज अ वेरी यूनिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट हियर इन मध्य प्रदेश, एंड आल्सो दैट देयर इज एन अमेजिंग ट्राइबल म्यूजियम इन इंदौर, व्हिच विल बी ग्रेट फॉर अस टू एक्चुअली एक्सप्लोर व्हेन वी डू कम फॉर आइफा नेक्स्ट मंथ। कैन यू एलाबोरेट? यू मस्ट विजिट द ट्राइबल म्यूजियम इन भोपाल। As I said, that Madhya Pradesh has the diversity within the state which no other state has.
Our country is a diverse country. But within that diversity, we have Madhya Pradesh, which has the biggest diversity. Various parts of Madhya Pradesh, even the food habits are different. Sometimes the festivals, hamare tyohar bhi alag alag hote hain. To Madhya Pradesh mein ye jo vibhinta hai, ye Madhya Pradesh ki mazbooti hai. Aur sabse badi cheez, yahan jo bhai chare ka vatavaran hai, yahan jo ekta ka vatavaran hai, ये मैं सोचता हूं किसी प्रदेश में नहीं है. हाँ, मैंने कहा था हमारे पास बर्फ नहीं है, समुद्र नहीं है, पर हमारे जो नेशनल पार्क है, हमारी जो हेरिटेज है, ये हेरिटेज किसी और प्रदेश से कम नहीं है, उससे ज्यादा ही होगी. पर अभी हमें उसमें प्रयास करने की कोशिश करने की आवश्यकता है. और मुझे उम्मीद है कि जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे आईफा ने और आप सब ने मध्य प्रदेश को सही पहचाना है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी मध्य प्रदेश को सही तरीके से पहचानेगी. सर, आधी से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री तो यहीं से वहां पे गई है. नहीं, as Sabasar also said कि काफी लोग वहां से गए. The contribution has been immense. आपकी होस्टिंग देखने को मिलेगी. लोग बहुत उत्साहित हैं. आपको एक किस्सा बताता हूँ कि हम लोग यहाँ जब छोटे थे तो ये रोजाना देखने को मिलता था हमको कि जब हम लोग पुलिया पे खड़े होते थे तो जब दोस्त यार पास होते थे तो जो रोकते थे हम उनको, तो नहीं यार बड़े जल्दी में चलो यार चलते हैं कहीं पर. तो वो आदमी दो दिन के बाद घर जाता था जो कि इतने जल्दी में होता था. ये अभी भी होता है यहाँ पर? होता है. ये बहुत अच्छी बात है. कौन कौन है जो जल्दी में बता दीजिए. अच्छा, चार लोगों ने हाथ भी खड़े कर दिए. कोई ऐसे भी हैं जो क्योंकि कोई फ्री टिकट्स भी चाहेंगे आईफा के लिए? आप में से कितने लोग? ठीक है, इनको तो पहले बाहर करो. जैसे कि सलमान सर ने कहा कि भाई टिकट खरीद, क्योंकि परिवार इतना बड़ा, बहुत सारे लोग आएंगे, तो टिकट खरीदें आप. खूब मनोरंजन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस होंगे. सलमान, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई. मैं आपसे एक चीज और जानना. बड़ा खानदान है यहाँ पर, कि इन्होंने अगर मेरे भाइयों ने यहाँ पर टिकट खरीदना शुरू कर दिया तो किसी को बाकी को टिकट ही नहीं मिलेगा. चलिए, ये भी अच्छी बात हुई. कोई एक किस्सा बचपन का, क्योंकि मुझे ये तो पता है आप बता रहे थे बहुत कमाल की बातें थी खाने को लेकर, आपके बचपन से लेकर. सोचा, मुझे ऐसा बताया गया था कि आप आम तोड़ दें, आपने तो बताया कि पूरा बगीचे में जो भी पेड़ था सब तोड़ लेते हैं. वो तैसु की चप्पल एक दिन खो गई थी. तो हम लोग खेत पे थे तो वहां पर काफी एक गेहूं का ढेर वहां पे था और हम, मैं और अरबाज उस ढेर के अंदर खेल रहे थे. तो तैसु हमारे बिल्डिंग के अंदर, गैलेक्सी के अंदर एक हेल्प था जो कि वो चार माले पे वहां पे काम करता था. और वो वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारे चाचा भेजू चाचा उनको यहाँ पर लेके आए इंदौर. अब वो बेटे की तरह हैं, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए वगैरह वगैरह. तो जब नेपलीज हैं तो जब बचपन में वो हम उनसे काफ़ी डरा करते थे तो अरबाज ने तेसु की चप्पल पहनी थी. तो वो थे ना वो ब्लू वाले विद वाइट और ब्लू, वो उस टाइप के बाटा या कोरोना जैसे के चप्पल हुआ करते. तो रबड़ की चप्पल बोलते थे उसको. उस गेहूं के ढेर के अंदर वो एक चप्पल खो गई. हमने उस गेहूं के ढेर को यहां से निकाल के वहां डाला, चप्पल नहीं मिली. यहां से वहां डाला, चप्पल नहीं मिली. तीन चार लोकेशन चेंज किए, चप्पल मिली नहीं. एक ही चप्पल मिली, दूसरी चप्पल का अभी तक राज है. अभी तक तेसु की चप्पल ढूंढ रहे हैं हम लोग. तो काफी सुकून है. आप बचपन की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए है. मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा कि एक मैं ज्यादा बात नहीं करूं उस बारे में. एक सरप्राइज है. कैन वी प्लीज ब्रिंग दैट कोलाज? बस एक ही सरप्राइज ना दें. मुझे पता है कि मेरे भाई ने मेरे बचपन की तस्वीरें यहाँ पर शायद दी हैं. एक उसमें नंगी तस्वीर है बचपन की, वो नहीं दी ना. आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू प्रेजेंट दिस फोटो कोलाज टू मिस्टर सलमान खान. ये इनके बचपन की तस्वीरें हैं. And we'd also like to thank a special mention for Mr. Kidwai from Madhya Pradesh Tourism for actually helping us with this. You won't have it like this.
Wow.